आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि बिहार से है। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों की मतगणना जारी है। बिहार में 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बिहार में बीजेपी को बढ़त है। विधान परिषद के चुनाव में नीतीश लालू गठबंधन का 6 सीटों पर कब्जा हुआ है। मैं एक एक करके सारे आंकड़े बता देता हूं जो अभी तक सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर जेडीयू प्रत्याशी दिनेश प्रसाद सिंह जीत गए हैं। वैशाली आरजेडी प्रत्याशी सुबोध कुमार राय जीत गए हैं। नालंदा से जेडीयू प्रत्याशी रीना देवी जीत गई हैं। एलजेपी प्रत्याशी रंजीत डॉन यहां से हार गए हैं। नालंदा एक बड़ी सीट थी। औरंगाबाद बीजेपी प्रत्याशी राजन सिंह 364 वोट से जीत गए हैं। छपरा से बीजेपी के सच्चिदानंद राय जीत गए हैं। आरा से आरजेडी प्रत्याशी राधाचरण आगे चल रहे हैं। गोपालगंज बीजेपी प्रत्याशी आदित्य नारायण आगे चल रहे हैं। सिवान से बीजेपी प्रत्याशी टूनू पांडे आगे। पश्चिम चंपारण कांग्रेस के राजेश राम 106 वोट से आगे। गया से जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी आगे। किशनगंज से बीजेपी के दिलीप जायसवाल आगे। मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त अभिषेक चंद्रा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक मुझे ये बताइए, अभी तक जिन सीटों के स्पष्ट रुझान या नतीजे आ गए हैं, क्या इनके जरिए मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश लालू का गठबंधन जो है बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है और इसे जाने विधान परिषद के चुनाव में नकार दिया? बिल्कुल राशिद, बिहार में यहाँ 3.5 महीने के बाद बिहार विधानसभा में चुनाव होने हैं और आज के बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के जो नतीजे आने वाले हैं, थोड़ी देर में 14 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, उसे बिहार विधानसभा के चुनावों का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। और पहली बार ऐसा है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में इतनी गहमा गहमी है और सारी राजनीतिक पार्टियों की इतनी पैनी नजर है। जो 24 सीट जिन पे चुनाव हुए थे उसमें अभी जो प्रेजेंट स्थिति थी उसमें केवल बीजेपी के पास केवल 5 सीटें थी। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज को देखें तो बीजेपी की बढ़त है, नरेंद्र मोदी की सरकार की बढ़त है और कहीं ना कहीं जेडीयू आरजेडी गठबंधन कुछ फीकी पड़ रही है, कुछ फ्लॉप हो रही है और कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के लिए सेटबैक है। राशिद,